मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में दिन दहाड़े व्यापारी से बेसबॉल का डंडा मारकर 35 लाख रुपए लूटे, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद। मंदसौर की पिपलिया मंडी में कृषि उपज मंडी के सामने मंडी व्यापारी के साथ 35 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पिपलिया मंडी की कृषि उपज मंडी के व्यापारी कमलेश कुमार रूपचंद, फार्म के मुनिम वीरेंद्र जैन, पिता कन्हैयालाल मंडी के सामने ICICI बैंक से 35 लाख रुपए निकाल कर मंडी जा रहे थे। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरा में सामने आया। इसी दौरान सफेद रंग की अपाची बाइक पर आए दो बदमाशों ने मुनीम को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। चिल्ला चोट करने पर कुछ स्थानीय लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। घटना के बाद कृषि मंडी व्यापारियों और किसानों ने पिपलिया मंडी मनासा सड़क पर चक्का जाम लगा दिया। इधर लूट की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और चारों तरफ नाकाबंदी शुरू कर दी। घटना दिन करीब 3 बजे की बताई जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना कैद हो गई। फिलहाल मामले में बदमाशों की सघन तलाश की जा रही है। पीछा किया तो बैग छोड़कर भाग गए और नाकाबंदी के बाद ग्रामीणों ने भांगी पिपलिया गांव के निकट आरोपियों का पीछा किया। इसमें आरोपी बाइक और रुपयों से भरा बैग छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बाइक और बैग बरामद किया। बदमाशों की तलाश की जा रही है। मंदसौर जिले में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं एवं आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उसके बावजूद भी हथियारबंद बदमाश शहर व ग्रामीण क्षेत्र में बिना पुलिस का कोई खौफ नहीं और दिन दहाड़े क्षेत्र में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बस मंदसौर जिले की पुलिस NDPS की कार्रवाई करने में लगी हुई है क्योंकि इससे पुलिस को काफी अच्छा लाभ मिलता है। आज दोपहर में करीब 3 बजे करीब सूचना मिली थी कि पिपलिया मंडी में जो हमारी कृषि उपज मंडी है वहाँ के एक व्यापारी के जो मुनीम है वो बैंक ICICI बैंक से पैसा लेके निकले थे तो उनका पैसों से भरा हुआ जो बैग था उसको एक व्यक्ति ने उनके सर पे डंडा मारा और वो छीन के ले गया था। तो भाई उसमें जो घटना में दो व्यक्ति दिख रहे हैं उनकी पे उसी जिस डायरेक्शन में मूव किए थे उस हिसाब से नाकाबंदी की गई, पुलिस की विभिन्न पार्टियां मूव करी गई और ग्रामीणों की भी मदद दी गई। तो उसमें घेराबंदी के कारण ये आरोपी जो है वो पैसों से भरा बैग छोड़कर भाग गए, इसको रिकवर कर लिया गया और जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। जो फरियादी के द्वारा बताया जा रहा है कि बैंक से करीब 35 लाख के करीब उन्होंने जो बैंक से निकाला था वो है।